उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में दो दिनों का ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट यानी कि वैश्विक निवेशक सम्मेलन शुरू हो चुका है। इसका उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का है और यहां विकास की अपार संभावनाएं हैं। पीएम ने विदेश में रहने वाले भारतीय अमीरों को कहा कि वो कम से कम एक वेडिंग डेस्टिनेशन उत्तराखंड में जरूर करें, जिससे यहां आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। वैश्विक निवेशक सम्मेलन को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी संबोधित किया, जबकि अडानी एंटरप्राइजेस के एग्रो ऑयल और गैस के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रणव अडानी ने भी इसे संबोधित किया। आपको बता दें कि वैश्विक निवेशक सम्मेलन में देश दुनिया के 8,000 से ज्यादा निवेशक और प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि निश्चित रूप से आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। कुछ वर्ष पहले जब मैं बाबा केदार के दर्शन के लिए निकला था तो अचानक मेरे मुंह से निकला था कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। और मुझे खुशी है कि अपने उस कथन को मैं लगातार चरितार्थ होते हुए देख रहा हूं। 44,000 करोड़ रुपए का अभी तक निवेश धरातल पर उतार दिया गया है, इसके लिए प्रयास हो रहा है और इसके धरातल पर उतरने से लाखों रोजगारों का सृजन भी यहां पर होगा। मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि हमने विभिन्न सेक्टर्स में निवेश मित्र की नियुक्ति की है, जो 5 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी निवेश करने वाले उद्यमों के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे। द लास्ट 5 years हैव बीन अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन इन हाउ द स्टेट अप्रोचेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। करेंटली आवर प्रेजेंस इन उत्तराखंड स्पैन्स सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एंड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। द अदानी ग्रुप is excited by the great range of investment opportunities now emerging in Uttarakhand.